Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध, जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया 24 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ भूपेश टांडिया। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने सरेआम अधिकारियों को सूली पर टांगने की बात कह डाली। केंद्रीय मंत्री इतने गुस्से में थी, वह यही नहीं रुकी, उन्होंने अधिकारियों को बेल्ट उतारकर पिटाई करने की भी बात कही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह बलरामपुर के क्वारंटाइन सेंटर में दिलीप गुप्ता से मिलने पहुंची हुई थी। दिलीप गुप्ता वही युवक है जिसने पिछले दिनों सोशल मीडिया में क्वारंटाइन सेंटर के अव्यवस्था का वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद उसने आरोप लगाया था कि उसके साथ जनपद सीओ और तहसीलदार ने मारपीट की है। परिजनों से मामले की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री क्वारंटाइन सेंटर पहुंची और उन्होंने युवक से बातचीत की। मंत्री से युवक ने बताया कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, उसने चोट के निशान भी दिखाए, जिसके बाद मंत्री वहां मौजूद अधिकारियों पर भड़क उठी और उन्होंने अधिकारियों को पहले सूली पर टांगने की बात कही, फिर बेल्ट से पीटने की धमकी दे डाली। आप भी देखिए क्या कुछ कहा मंत्री रेणुका सिंह ने। ये भगवाधारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर मत समझ रहा आप, जनपद में बैठ के और आप भी तहसील में बैठ के ना जो भेदभाव कर रहे हैं ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ, भूल जाइए। अंधेरी कोठरी में ले जाके ना मैं बेल्ट खोल के ना ठोकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। दादागिरी नहीं चलेगी, ये मत सोचो, कोई भी अधिकारी मत सोचे ये कि सरकार हमारी नहीं है। हम लोग 15 साल यहाँ सरकार चलाए हैं, भुखमरी को दूर हम लोग किए हैं, नक्सली को दूर हम किए हैं, अशिक्षा को हमने दूर किया है, डेवलपमेंट हमने किए हैं। अब मरम्मत के लिए मिट्टी मुरम के लिए पैसा नहीं सरकार के पास, 2,743 करोड़ रुपया हमने दिया है। कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार के पास पैसे की कोई नहीं, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ सारे लोगों को जितना पैसा चाहिए मैं दिला रही हूँ। गाली दिया, मैंने कोई गाली नहीं, रमजान झूठा कसम मत खाइए, आर्मी से आ रहे हो चाहे जहाँ से भी आइए, आज भी मैं मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा ना सूली पे टांग दूंगी। ये ऊपर वाला भी देखेगा, अगर मैं ऊपर वाला क्या सामने। Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध, जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिछिया में बाल विवाह हो रहा था, जिसको रोकने के लिए महिला बाल विकास अधिकारी राजेश्वरी मजिस्ट्रेट के साथ वहां पहुंची। आपको बता दें बाराद्वार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाल विवाह की सूचना महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को जानकारी मिली। इसकी सूचना तत्काल महिला एवं बाल विकास अधिकारी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश कुमार श्रीवास्तव को दिया गया, फिर तालुका विधिक सेवा समिति के ADJ संतोष कुमार आदित्य को सूचना दी गई, जिस पर उनके द्वारा राजेश्वरी सूर्यवंशी मजिस्ट्रेट शक्ति को इसकी जानकारी दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रेट राजेश्वरी सूर्यवंशी ने महिला बाल विकास विभाग की टीम के साथ ग्राम पंचायत बिछिया पहुंचे, जहां बाल विवाह के संबंध में लड़का पक्ष को समझाइश देकर विवाह रोका गया। सूर्यवंशी ने बताया कि थाना बाराद्वार के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिछिया में बाल विवाह की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम के साथ ग्राम बिछिया पहुंचकर अमृत लाल के पुत्र छोटू बाबू पटेल का विवाह तय हुआ था, जहां मंडपाच्छादन का कार्यक्रम चल रहा था। 2 दिन बाद बारात जाने की तैयारियां थी, लेकिन सूचना प्राप्त होते ही महिला बाल विकास अधिकारी की टीम एवं विधिक प्राधिकरण के साथ उक्त ग्राम पहुंचकर परिजनों एवं माता पिता को समझाइश दी गई कि किसी भी कन्या का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र एवं लड़के का 21 साल से कम उम्र में विवाह करना अपराध है। समझाइश के बाद उसके परिजनों ने विवाह कार्यक्रम को स्थगित करते हुए आगामी 6 महीना बाद 21 साल पूर्ण होने के पश्चात
विवाह संपन्न कराने का आश्वासन दिया है। शक्ति के अंतर्गत ग्राम बिछिया से यह जानकारी मिली थी कि वहां पर बाल विवाह हो रहा है, तब माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में और माननीय संतोष कुमार आदित्य सर अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों के साथ में हम ग्राम बिछिया में जाकर बाल विवाह को रोकने के लिए समझाइश दिए। दोनों पक्ष मान गए। उन्होंने लड़के के 21 साल होने के बाद में शादी करने का आश्वासन दिया है। Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटरतला, रायपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। सरगुजा और बलरामपुर की सीमा पर आज प्रवासी मजदूरों को पुलिस कर्मियों के द्वारा चप्पल वितरण किया गया। शासन और प्रशासन के लोग लगातार इस कार्य में जुटे हुए हैं ताकि मजदूरों के छालों को किसी भी तरह से कम किया जा सके। लगातार प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रत्येक जिले के कलेक्टरों को निर्देश जारी किया था कि मजदूरों के पैरों के छालों को कम करने के लिए चप्पल का वितरण किया जाए। इसी कड़ी में पुलिस कर्मियों ने आज ककना बॉर्डर पर आने वाले प्रवासी मजदूरों को चप्पल वितरण किया। भीषण गर्मी में बिना चप्पल के जो मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे थे, उन्हें जब पुलिस कर्मियों की तरफ से चप्पल दिया गया तो उनके चेहरे पर हल्की खुशी झलक उठी और वह खुश हो गए। आखिर भीषण गर्मी में चलते हुए पैरों को थोड़ी सी राहत तो मिली हो। Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटरतला, रायपुर। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के बयानबाजी के बाद यह राजनीति तुल पकड़ता जा रहा है। आखिर राजनीति पकड़े भी क्यों नहीं, अगर एक केंद्रीय मंत्री इस तरह की बयानबाजी करता है तो राजनीति होना लाजमी हो जाता है। पूरी बयानबाजी के बाद कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक बृहस्पत सिंह का बयान सामने आया है। बृहस्पत सिंह ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से उन्हें माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो बड़बोलेपन पर जनता उन्हें जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हों चाहे सांसद हों, इन लोगों के ये प्रचलन में हो गया है अधिकारियों को गाली गलौज करना, आम जनता को गाली गलौज करना, अपमानित करना, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं बहुत निंदा करता हूँ और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कैसे नेताओं जिनकी बदजुमान निकल रही है उनको अपनी खुद समीक्षा करके सार्वजनिक रूप से इनको माफ़ी मांग लेना चाहिए। हमारी उम्मीद है कि ऐसे जो नेता इस तरह के बड़बोलेपन कर रहे हैं, उतावलेपन कर रहे हैं, जो अंधेरे कोठरी मारने काम कर रही है, इनको जनता बंद करके मारेगी अंधेरे कोठरी में। आप लोग चिंता मत करिए, ये छत्तीसगढ़ की जनता है, हिंदुस्तान की जनता है, सब जानते हैं।